नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है और आज हम बात करने वाले हैं सिवान नगर परिषद की। सिवान नगर परिषद की बात करें तो बहुत सारे दावेदार हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, लेकिन उन सभी दावेदारों में एक नाम है अनुराधा गुप्ता। अनुराधा गुप्ता जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, सिवान की हर जनता इनसे पूर्व परिचित है क्योंकि पूर्व में ये सिवान नगर परिषद से सभापति रह चुकी हैं और उसके नाते उनको जो भी जिम्मेदारियां इनको मिली थी उसे बखूबी निभाई भी थी और यही कारण है कि अनुराधा गुप्ता हर दिल में बसती हैं। और जब इस बार होने वाले नगर परिषद चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट करने जा रही है उपसभापति पद के लिए और सभापति पद के लिए, तो कहीं ना कहीं अनुराधा गुप्ता की जो ये लोकप्रियता है वो इसमें अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि जिस तरह से अनुराधा गुप्ता ने समय समय पर महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शिक्षा का जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है वो कहीं ना कहीं महिलाओं में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और सिवान की जो राजनीति है वो अनुराधा गुप्ता के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे दावेदार हैं जो काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अनुराधा गुप्ता जो एक नाम, एक पहचान है जो हर लोगों पर एक छाप छोड़ी हुई है और यही कारण है कि इस बार का जो होने वाला चुनाव है उसमें अनुराधा गुप्ता को एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। और जिस तरह से आज अनुराधा गुप्ता ने अपना पर्चा दाखिल किया है वो सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क मार्ग के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें देख करके मैं सिवान की जनता को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उपस्थित होकर मेरे नामांकन को सफल बनाने का कार्य किया। और मैं साथ ही सिवान की जनता से आग्रह करूँगी कि ये पद अति पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित है, तो आप अपने बीच से ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके बीच की समस्याओं को रख सके, इतना भीड़ इतना जन सैलाब लेकर चल रही है, क्या कहेंगे इसका मतलब क्या है? हमारी जीत निश्चित है। ये सिवान की जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, अगर ये जीत होगी तो सिवान की जनता की जीत होगी। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे चेयरमैन और 15 सालों से बनी है वार्ड पार्षद रूप में जी, जनता आपके भरोसे पे कायम उतरेगी। मैं आपसे बताना चाहूँगा